ये कौन सा शजरी फिरोजा है। ये शजरी शजरी फिरोजा है, जिसको निशापुरी वाला भी कहते हैं। निशापुरी ईरान का एक शहर है, वहाँ से ये निकलते हैं। ठीक है, ये शजरी फिरोजा है, ये भी फिरोजा है, ये भी फिरोजा है। ये जो मेरी पसंद का जो पत्थर है, मुझे एक नाम आता है वो है नीलम। तो ये देखिए, ये नीलम है। ठीक है, ये भी देखिए हैंडमेड है, बड़ी प्यारी सी अंगूठी बनी हुई है। ये देखिए इस फिंगर में देखिए, ठीक है, ये भी चांदी के अंदर है और इस पत्थर का नाम है नीलम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं साजिद रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीना में आए हुए थे तो मेरा दोस्त जो आमर है ना, वो कह रहा था मैंने एक स्टोन लेना है। तो बहुत सारी हमने दुकानें देखी हैं, तो फाइनली एक दुकान जो है ना, यहाँ पर हमें काफ़ी सारे स्टोन नज़र आए हैं। मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए कि स्टोन कैसे खरीदते हैं, कैसे पता चलता है कि ओरिजिनल है या कॉपी है और इसकी प्राइसेस क्या है। तो अंदर जाके आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ हम शेयर करते हैं। ये इस दुकान का नाम मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बरकात अल मदीना। ठीक है, तो अंदर जाके देखते हैं अब इनके पास कौन कौन से पत्थर हैं। ये भाई हैं हमारे फैसल भाई, तो इनके पास हम आए हैं, बहुत सारे पत्थर हैं इनके पास, हमने ये पसंद कर लिया। ठीक है, तो और भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, दिखाए ना वो दूसरा भी। अच्छा, ये पत्थर है अमर साहब जी, ये अमर भाई हैं, इन्होंने पत्थर जो है ना वो पसंद किया, तो इन्हीं को पता है पत्थर के बारे में। वल्ला मुझे कोई नहीं पता, फर्स्ट टाइम मैं इस तरह के पत्थर देख रहा हूँ। आमिर भाई एक्सप्लेन करेंगे कि इनका नाम क्या है और ये किसको सूट करते हैं और इनकी प्राइजेस क्या हैं। जी आमिर भाई, ये जो पत्थर है आमिर भाई बताएं जरा, ताकि लोगों को पता चले। बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ के बारे में पूछते हैं कि पत्थर खरीदने का तरीका क्या है, कैसे पता चलता है कि पत्थर कोई अच्छा है या कॉपी है। ये कौन सा शजरी फिरोजा है, ये शजरी शजरी फिरोजा है, जिसको निशापुरी वाला भी कहते हैं। निशापुरी ईरान का एक शहर है, वहाँ से ये निकलते हैं। ठीक है, ये शजरी फिरोजा है, ये भी फिरोजा है, ये भी फिरोजा है, ये स्टार के अंदर है, ओपल स्टार भी से कहते हैं। इंग्रेव्ड रिंग है सारी। इंग्रेव्ड मतलब क्या होता है? ये जो है हैंडमेड डिजाइनिंग हुई होती है सारी, यानी के खोद के, मतलब खोद के, जिसे खोद के वो डिजाइन बनाए जाते हैं जी। ये हकीक है, ये रिंग भी काफी पुरानी है, हैंडमेड, आपको आइडिया हो रहा होगा इससे। ये देखिए, ठीक है, प्राइस हम बाद में पूछेंगे इनसे, पर पहले थोड़ा सा बता दें कि ये इनके नाम क्या है। और ये सा एक इसको बोलते हैं नौशाही रत्न। ठीक है, ये इसमें मेरा ख्याल है ये जमुर्द लगा हुआ है। पत्थर ऐसे होते हैं कि जो नाम को सूट करते हैं, वो सब ऐसे ही है। यार तेरा नाम क्या है? नाम नहीं, बस इसको ना, ये ना तो तकदीर बदल सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं, वो अल्लाह पाक की जात ही है। जस्ट एज ए फैशन के लिए रीजन क्या होता है? कुछ भी रीजन नहीं है, जस्ट फॉर द फैशन। नहीं, कोई नहीं है, इस्लाम में कुछ नहीं है। आप सल्लम ने सिर्फ रिंग पहनी थी, वो भी छोटी सी और अकीक की रिंग पहनी थी। और मेरा ख्याल है कि कमी बेशी अल्लाह माफ करे, यहाँ तक अगर आप सफ़र में हैं तो आपके पास पैसे वगैरह नहीं है, तो रिंग इतनी सी हो कि मेरा ख्याल है 6 या 7 या 8 रतियों की, जिसको आप दे के अपने घर वापस लौट सकें, बस उतनी जो है वो। फैसल भाई, ये जो फिरोजा है इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है भाई जान, जो आप सेल करते हैं भाई जान, हम सेल करता है 800 से 600-500 तक। अच्छा, इसका 600 से 500 तक, 800 तक, ठीक है, लेकिन हर मुख्तलिफ होता है। ओके, और ये होता है 1200। इसका नाम क्या? इसका भी नाम है फिरोजा। आमिर, ये फिरोजा और इस फिरोजा में क्या फर्क है? फिरोजा ये जो है ना, ये निशापुरी फिरोजा, इसको फिरोजा की जड़ बोलते हैं। जब स्टोन मतलब निकालते हैं, ये जो मतलब स्टोन निकला है ना, जो नीचे से मतलब आप जमीन के साथ ऊपर उसकी ग्रो हुई है, ये उसमें है जड़। ठीक है, और ये ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह जाता है वो साफ होता जाता है, प्राइस भी इंक्रीज होती जाती है। हाँ जी, प्राइसेस भी इंक्रीज होती जाती है, लेकिन आपने बोला है, ठीक हो गया। और कौन सा अमर, और किसकी प्राइस पूछूं? ये कौन सा? ये भी हकीक है। हकीक, इसकी प्राइस क्या? इसकी प्राइस भी वही जितना है, 1000 से 800 तक। अच्छा, इनकी डिफरेंस प्राइस होती है, लो भी है, 200-250 तक भी आपके पास, और दूसरा 100 वाला तक भी है, 150 तक भी है। ये ओपल लगा हुआ है जी, ओपल, ठीक है, वाइट ओपल है, इंग्रेव्ड रिंग है सारी, ठीक है। हाँ जी, हैंडमेड है, इंग्रेव्ड है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? प्राइस भी साथ में शेयर करते जाते हैं ना, क्या फैसल भाई, प्राइस इसकी क्या है? इसकी प्राइस 1500 रियाल। 1500 रियाल मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख रुपए तक है, 90,000। ठीक है, तो ये छोटी बड़ी भी हो सकती है कि अगर मैंने साइज सकती है जी। ये चीज़ जो है हैंडमेड, ये चांदी है,
चांदी है जी। अच्छा चांदी, ये हाथ के काम। ये देखिए ये जो काम हुआ हुआ ना, ये हैंडमेड है, मतलब खुद से तैयार की हुई है ये अंगूठी, ठीक है। और ये चांदी है जो आपको नजर आ रही है रिंग, ये चांदी। और ये इसके अंदर पत्थर का क्या नाम है? ओपल। ओपल ठीक है। इसकी प्राइस ये बता रहे हैं 1500 तक, अगर इस डिस्काउंट का इसका सकता है तकरीबन 1500 से 1200 तक। अगर आपने लेनी है, अगर आपने वाकई लेनी है तो आप यहाँ पे आके उनसे मतलब डील करें, आपको पसंद आई तो आपको 200-300 तक डिस्काउंट करके दे सकते हैं, ठीक है ना। चले ये हो गया। आमिर भाई इसके बारे में बताएं। ये सारे अकीक लगे हुए हैं। हाँ, इसके बारे में बताएं। ये सारे के सारे अकीक हैं। और ये सारे अकीक टोटल, ये एक फिरोजा है, बाकी सारे अकीक हैं। अच्छा, इनकी क्या प्राइस है? इनके भाई जान ये बड़े वाले जो है, ये जो बड़े वाले हैं, ये भी सब है इनके काम है। ओके, ये भी हैंडमेड है, खुद से हाथ से बना हुआ है, ठीक है। चांदी का है? चांदी का है ये। 600 है भाई जान, 600। ये देखिए ये हकीक है ये, ठीक है। मतलब इनके नाम डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिनको नहीं पता बिल्कुल उनको बता रहा हूँ मैं। इनके जो है ना पत्थरों के नाम होते हैं, ये हकीक है और ये भी हैंडमेड है, देखिए, ठीक है। बड़ी प्यारी सी रिंग बनी हुई है ये। इसकी प्राइस क्या बताया आपने? इसकी प्राइस 600 तक। 600 तक का, और डिस्काउंट हो सकता है, और किसने लेनी है तो, ठीक है। और ये जो छोटे वाले हैं ये 500 से 400 तक, ये भी हकीक है। किबदी। अच्छा, ये हाँ किबदी में कलेजी है। अच्छा, कलेजी कलेजी, हाँ देखिए, क्योंकि उसका कलर इस तरह का है, ठीक है। अच्छा, उसके पीछे वाले वो जो दो तीन बॉक्स वो भी आप दिखाएं ना, ये जो इसके पीछे। अच्छा, ये भी रख दें फैसल भाई, आप बहुत शुक्रिया, आपका टाइम ले रहे हैं। अपनी रिंग कितनी? मैं थोड़ा सा उठा के दिखाऊं ताकि अलग अलग, मतलब इनके पास जो टाइप्स के पत्थर हैं ये देखें, जिनकी प्राइसेस भी अलग है, नाम भी अलग है, और इनके डिजाइन भी अलग है। वाले भी दो और पसंद आ गए। ये बड़ी अच्छी, ये सारे ओपल हैं। ये ओपल है जी, ये भी ओपल है। अच्छा, ये भी हैंडमेड है। ये भी हैंडमेड है। वो एक और जो बड़ी प्यारी सी इयररिंग है, मुझे मतलब कुछ नहीं पता इनके बारे में। आमिर से और ये भाई जो यहाँ पे शॉपकीपर है ना, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फिरोजे हैं, शजरी ये सारे फिरोजे हैं, ये पहले मैंने देखे हैं। ये भी ये हुसैनी फिरोजा, हुसैनी फिरोजा, ये दिखाओ जरा सामने का, ग्रीन टाइप होता है, दिखाओ जरा कैमरे सामने का। ये हुसैनी फिरोजा है, चेक करें, रियल रिंग बनी हुई है बड़ी। इसकी क्या प्राइस है? 1100 तक, लेकिन डिस्काउंट हो सकता है, जो हम प्राइस बता रहे हैं उससे अगर आपने लेनी है तो डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। नीलम है? नीलम था वो, देखा कौन सा नीलम? देखो हमें नीलम, ये नीलम है जी, अफ्रीका नीलम, ये दिखाओ जरा नीलम। बहुत सारे लोग नीलम के बारे में पूछते हैं। ये जी मेरी पसंद का जो पत्थर है, मुझे एक का नाम आता है, वो है नीलम। तो ये देखिए ये नीलम है, ठीक है। ये भी देखिए हैंडमेड है, बड़ी प्यारी सी अंगूठी बनी हुई है। ये देखिए इस फिंगर में आप देखिए, ठीक है। ये भी चांदी के अंदर है, और इस पत्थर का नाम है नीलम जी। फैसले इसकी प्राइस क्या? इसकी प्राइस 500 से 600। ये पत्थर छोटा है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है इसकी। नीलम एक्सपेंसिव होता है, नीलम महंगा, नीलम सस्ता वाला भी होता है, लेकिन वो कॉपी में आ जाता है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। ये देखिए हाजर कम तक है, हां ये की कलर, ये भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मेरे इधर थोड़ी सी बड़ी है, ये देखिए क्या बात है। जिन लोगों को पत्थरों के बारे में पता होता ना, वो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मदीना से माशाल्लाह ये अच्छे मिलते हैं, इसलिए हम भी मदीना से ही परचेज कर रहे हैं। ये देखें ये हकीक है, ये भी पत्थर लगे हुए देखें, ये वाले भी हैं, लेकिन थोड़ी सी इनकी प्राइस थोड़ी सी कम है, ठीक है। ये देखें ये 250 तक है, लेकिन कम हो सकता है। ये देखें बहुत सारे पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये भी याकूत है। ये देखें ये याकूत है, याकूत है, अफ्रीकी याकूत है। ओके, ये दिखाएं एक बाहर निकाल के, एक के साथ मौजान है, दोनों निकालें जरा। ये अनारी याकूत है। अच्छा, और ये चमकता, ये अनारी याकूत है, और ये ये भी याकूत है। इसकी क्या प्राइस है? 450 450 इसकी, 950 और ये
ये भी वही यकूत, ये सारे यकूत हैं? नहीं, ये मरजान है, ये मरजान, ये दो बस। ठीक है, ये मरजान और ये यकूत है अनारी, क्योंकि इसका कलर अनारी लग रहा है, इसलिए आई थिंक इसको अनारी यकूत। ये दो आइटम होता है, ये भी आपका गिफ्ट भाई जान। ये जी, ये फैसल भाई की तरफ से गिफ्ट मिला है, थैंक यू का, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आपने बोला अनारी यकूत, ये और ये दूसरा सादा नॉर्मल वाला चमक वाला। अच्छा, ये चमक वाला मतलब दूसरा। ठीक है, दो टाइप के होते हैं अनारी और दूसरा चमक वाला, देखें यकूत। तो ये जी, बहुत शुक्रिया आपका, हम टाइम लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप मतलब के सिर्फ पत्थर ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ये देखें पत्थर है, ठीक है, इनके पास और भी, ये देखें ये क्या है, चांदी है, ये देखें बहुत सारी रिंग है इनके पास, ये वॉचेज हैं, बहुत सारी वॉचेज लगी हुई हैं, ये देखें अगर किसी को गिफ्ट देना है, ये देखें वॉचेज जिसमें पेन है, और ये देखें तस्बीह, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गिफ्ट बना हुआ है, देखें ये पेन है, ये वॉच है, माशाल्लाह। ये देखें अमर भाई जी, सही लग रही है। हाँ, वो पुराने हीरो नहीं जो होते, वो लग रहा है। अच्छा, ये था जी सारे यहाँ की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कोशिश की है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। तो आमिर भाई अभी अपना पत्थर दिखाएं, ये है जी आमिर भाई ने पत्थर उतारे जरा, इसका नाम क्या है आमिर भाई? ये हकीक यमनी है, हकीक यमनी, ठीक है, इस पत्थर का नाम है। देखिए बड़ी प्यारी सी रिंग बनी है और आमिर के बिल्कुल फिट आई है, पहनो ना आमिर भाई, बहुत एंटिक रिंग है, वाइट कलर में, इतना क्लियर स्टोन बड़ा कम आता है, जिसकी वजह से मैंने भी काफ़ी दस और मुबाइसे के बाद उससे खरीदी है, क्योंकि मुझे बस जो पहली नज़र में ये अच्छी लगी है। ये हमने लिया 450 रियाल में, 450 रियाल में ली है, 30,000 रुपये तकरीबन ये बन रहे, 25-26,000 रुपये में, ठीक है। और इससे इसकी निशानी क्या, ये असली कॉपी है, एक सिंपल सी निशानी है, लोग जो है वो इसके ऊपर बाल रख के जलाते हैं, इसको टिश्यू में रख के जलाते हैं, रगड़ के देखते हैं, नहीं, जो नेचुरल स्टोन है ना, जो जिसे जेम स्टोन कहते हैं, वो रोशनी को अब्सॉर्ब करता है। करो, दिखा जरा, दिखाओ, ठीक है, मतलब ये रोशनी को अब्सॉर्ब करेगा, रोशनी को अब्सॉर्ब करेगा, ये आगे स्प्रेड नहीं करेगा, अगर इसको आप लाइट के ऊपर रखेंगे ना, ये देखिए, ये आप उल्टा करके रखेंगे सर, ये चेक करें, रोशनी बिल्कुल रोशनी अब्सॉर्ब कर रहा है, देखिए, ठीक है, क्लियर है, रोशनी अब्सॉर्ब करता है, ये इसकी मतलब की निशानी है जो हमें पता है, ये देख रहे हैं अब्सॉर्ब करता है, बिल्कुल क्लियर है, ये उसमें अंदर छोटे छोटे निशान है, ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। चलो, मुबारक हो अमर भाई जी, ये ने पहने, तो चलेंगे किधर हमारा गिफ्ट, ठीक है फैसल भाई, हमें इजाज़त दे पैसे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, पत्थर हमने दे दिया है, ठीक है, पत्थर लिया हमने 450 का, अब नसीब करे आमिर को, ठीक है। तो हमारी जो मतलब के रेंज थी ना, वो थी कि यार ये 350-300 तक मिल जाएगा, और जो चीज़ हमने मतलब सोची हुई थी ना, वो नहीं हमें मतलब मिली, लेकिन ये भी बहुत अच्छा जो हमने पसंद किया माशाल्लाह। और ये लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने हरम पाक है, ये देखें, ये वाला देखें सामने, अब मैं आपको जाके पास से दिखाऊंगा कि गेट नंबर कौन सा, जब आप हरम से निकलेंगे और इधर को आप जाएं तो सामने बिलाल मस्जिद का रास्ता जा रहा है, ठीक है, और इस तरफ ये दुकान है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे वो दुकान है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, दुकान का मैं नाम शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, और लोकेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप यहाँ पर आके आसानी लें, अच्छे हैं पत्थर उनके पास, क्योंकि हमने जो मतलब समझ लें कि अगर हमने कोई चीज़ ली है ना, तो ऐसे नहीं ली भाई, पूरी जो है ना इन्वेस्टिगेट करके देख सुन के फिर ली है। और मैं अपने व्यूवर्स के साथ वही चीज़ शेयर करता हूँ कि यार जो है ना, कोई मेरी वीडियो देख के बाद में ये ना कि यार नहीं, कोई मज़ा नहीं आया, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ जो मैंने चीज़ शेयर की आपको पसंद आई होगी, आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, ये पत्थरों की सारा, तो बारिश हो रही है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देखें हरम पाक में, सुभान अल्लाह, ये देखें, ओहो, ये मंज़र मैंने तकरीबन, मुझे सऊदीया में रहते हुए 9 साल हो गए, 9 साल, और आमिर भाई आपको भी तकरीबन 8-9 साल हो गए, ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम हम जो है ना मस्जिद नबवी में आए हुए हैं और बारिश देख रहे हैं, बहुत बार बारिश से बारिश में भीग रहे हैं, सुबह से आज हमने नमाज भी जो पढ़ी है ना, वो भी मैंने बारिश में पढ़ी है, तो वो वीडियो भी जो है ना आप देखें ज़रूर, और मैं जो है ना मेरे चैनल पर जाएँ और इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने बीरे गर्स जो है ना जो कुआँ है वो दिखाया है, मस्जिद नबवी में जो हमने नमाज पढ़ी है माशाल्लाह बारिश में, वो दिखाई है, बहुत मज़ा आया आज, ठीक है। तो अभी जो है ना हम फिर जा रहे हैं हरम पाक में, हमने ज़्यारत करनी है रोज़ा रसूल की इंशाल्लाह। ये वाला गेट नंबर, अगर आप इस गेट से निकले ना मस्जिद नबवी से, 302 नंबर गेट है, ठीक है, तो यहाँ से आप निकले तो बिल्कुल सीधे जो है ना वो दुकान है, ठीक है, मस्जिद बिलाल का ही रास्ता जाता है। तो चले जी, आज की वीडियो बस यहाँ पर ख़त्म करेंगे हम, उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है ना फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।